breastfeeding the baby within the first hour of birth helps the baby receive the benefits of colostrum. Colostrum is rich in essential nutrients and antibodies, which help develop the baby's immune system and keeps the baby away from illnesses. A baby who's breastfed within the first hour has better blood sugar levels. It also helps the baby's immune system to be strong. And a baby who's breastfed within the first hour of delivery tends to breastfeed for a longer period of time. Colostrum is yellow, sticky milk which comes out during the first 3 days, and people are unaware of the benefits of colostrum. So it's very important that a baby is breastfed during the very first hour of delivery so that the baby can receive the benefits of colostrum and the baby's breastfeeding can continue for a longer period of time. It is a good idea that before you get back to work, you talk to your work supervisor or manager. Get information about what breastfeeding arrangements are available at the office. In some offices, there is a crèche which is available, and so once the child is 6 months old, you can actually take the baby with you. The baby can be in the crèche, and whenever you get time in between, you go and feed the baby directly. If that facility is not there and you are leaving the child at home you're at a physical distance from the baby, then you can express the breast milk while you are at work. Now, the expressing the breast milk needs a certain equipment. There has to be a breast pump, there has to be a room, there has to be a privacy where you can safely express the breast milk. So you should talk to the manager before joining back work. टिप फॉर क्रैक निपल ड्यूरिंग breastfeeding. ब्रेस्टफीडिंग के दौरान आपके निपल क्रैक नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि जब आप फीड करा रही हैं तो जो बच्चा है वो एरियोला के ऊपर प्रॉपर लैच करे. उसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा एरियोला जो है वो बच्चे के मुँह के अंदर जाना चाहिए. इसको हम कहते हैं प्रॉपर लैचिंग. फीडिंग के टाइम पर बेबी की फीडिंग पोजिशन प्रॉपर होनी चाहिए. क्या क्या पोजीशन आपकी फीडिंग के लिए करेक्ट है, उसके लिए आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं. अगर कभी आपके क्रैक निपल होते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपना ही दूध जो है वो निपल पे लगा सकते हैं, या फिर घर में आपके पास पेट्रोलियम जेली जिसको हम पैराफिन जेली कहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, या देसी घी यूज़ कर सकते हो. और अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो निप केयर करके क्रीम आती है जिसको आप निपल पे लगा सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपके क्रैक निपल को हील करने में हेल्प करेंगी. लेकिन एक बात बहुत ख़ास ध्यान रखनी है कि अगर आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अगली बार फीड कराने से पहले इसको अच्छे से क्लीन कर दें ताकि इनमें से कोई भी चीज़ बेबी के मुँह में ना जाए. अगर ये सारे तरीके यूज़ करने के बाद भी आपको क्रैक निपल की तकलीफ रहती है तो कृपया एक्सपर्ट से, जिनको हम लैक्टेशन कंसल्टेंट कहते हैं, उनसे संपर्क करें. ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर आपके बेबी ने प्रॉपरली लैच किया है तो आपको फीडिंग करने में निपल में पेन नहीं होगी. दूसरी बात है, जो निपल है उसके चारों तरफ का ब्राउन कलर्ड एरिया जिसे हम एरियोला कहते हैं वो भी बेबी के मुंह के अंदर जाएगा एंड बेबी रिदमिक सकिंग मोशन के साथ निपल को सक करेगा. प्रॉपर लैच में बेबी की चिन जो है वो ब्रेस्ट के साथ कांटेक्ट में होती है और कुछ हद तक उसकी नोज़ भी कांटेक्ट में होती है. ऑल्दो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बेबी इस सिचुएशन में ब्रीथ कर सकता है. दूसरी बात है, प्रॉपर लैच के बाद बेबी सेटिस्फाई होकर आराम से सो जाते हैं, ज़्यादा रोते नहीं हैं, या फिर इधर उधर मुंह मूव करना या फिर अनकंफर्टेबल उनको दिखाई देना या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राइंग, ये सारी बातें ये शो करती हैं कि बेबी प्रॉपर लैच नहीं कर पाया है. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपको लैचिंग में प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए.